बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, मींस दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, बहुत ध्यान से देखना बेटा। जैसे मान लीजिए आपकी एक ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है आर स्क्वायर टू ए प्लस लैम्डा बी। यहां पर ए वन और बी वन कर दो। अच्छा, एक ये कोई दूसरी लाइन है, ये दो लाइन है। अब मेरी बात समझे, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये पैरेलल है, इसीलिए हमने थोड़ा सा टेढ़ी लाइन बनाई है, कुछ इस तरीके से बना दे। ये सेकेंड लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए प्लस म्यू बी। सेकेंड लाइन में यहां पर ए टू और बी टू हो गया। आपके पास ये दो लाइंस हैं और ये पैरेलल नहीं है। कैसी लाइंस हैं? नॉन पैरेलल लाइंस हैं। इनको बोलेंगे ये स्क्यू लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं? दीज आर स्क्यू लाइंस। ये जो लाइंस हैं स्क्यू लाइंस बोलेंगे। स्क्यू लाइंस का मतलब यहां पर ये है कि ये आपस में पैरेलल नहीं है, मतलब स्पेस में है। कैसी? नॉन पैरेलल, और इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। आपके पास ये दो लाइंस हैं, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। अब देखिए दोनों पैरेलल नहीं है, और ये लाइन ऐसे ऐसे चलती चली जाएगी, और ये लाइन ये ऐसे चलती चली जाएगी, कहीं भी ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। तो ये लाइंस क्या कहलाएंगी? आपस में स्क्यू लाइंस कहलाएंगी। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से देखो, 3D में स्क्यू लाइंस के बीच में हमें क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, मान लीजिए ये डी डिस्टेंस है, ये होगी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए मॉड ले रहे हैं, मॉड बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन अपॉन में मॉड बी वन क्रॉस बी टू। यदि आपके पास दो स्क्यू लाइंस हैं और इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो ये जो पैरेलल वेक्टर होते हैं बी वन और बी टू, इनका क्या करें? क्रॉस। जो पॉइंट्स होते हैं जिनसे ये लाइंस पास होती हैं A1 और A2, A2 माइनस A1 करते हैं, तो एक ये वेक्टर मिलेगा B1 क्रॉस B2, और एक ये A2 माइनस A1 वेक्टर मिलेगा। इन दोनों वेक्टर्स का क्या करें? डॉट और अपॉन में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो आपको इनके बीच की क्या मिल जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और देखना, मान लीजिए स्क्यू लाइंस के अलावा आपकी ये दो लाइंस कैसी होती? पैरेलल लाइंस होती। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, दिख रहा है बेटा? दिस वन है, यस। ओके, ये लाइंस कैसी है बेटा? पैरेलल लाइंस हैं। दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, सबसे पहले तो पैरेलल लाइंस दिखती कैसी है, उनकी इक्वेशन कैसी दिखती है, देखो बेटा। जैसे ये फर्स्ट लाइन है R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, मेरी बात समझना, इसमें ए वन कर दिया, B चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस में पैरेलल वेक्टर तो सेम रहेगा। ओके, तो ये जो दूसरी लाइन होगी वो R इक्वल टू हो जाएगी ए टू प्लस म्यू टाइम्स B। अब देखिए पैरेलल लाइंस में होता क्या, आप पहचानोगे कैसे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? यहां पर जो वेक्टर्स लिखे होंगे वो सेम रेशियो में होंगे, मतलब वो सेम होंगे एक तरीके से। या फिर पैरेलल वेक्टर ऐसे भी तो होते हैं जिनके आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। एनीवे, आप पहचानोगे कैसे? सिंपल तरीका है, ये पॉइंट है पैरेलल वेक्टर कौन? बी। यहाँ पॉइंट क्या है? ए टू। पैरेलल वेक्टर क्या है? बी। दोनों में पैरेलल वेक्टर सेम दिखने लगे तो वो दोनों लाइंस कैसी है? पैरेलल लाइंस है। अच्छा, इनके बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मॉड बी वेक्टर, जो पैरेलल वेक्टर है क्रॉस करेंगे ए टू माइनस ए वन के साथ, अपॉन में
मॉड ऑफ बी वेक्टर। मेरी बात समझे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। होगा क्या, आप ए टू माइनस सेवन वेक्टर निकालो, इस वेक्टर का किसके साथ क्रॉस करना है, बी वेक्टर, तो ये ऊपर वेक्टर ही मिलेगा, उस वेक्टर का क्या ले लें, मॉड ले लें, और अपॉन में बी का भी मॉड। यदि दो आपकी स्क्यू लाइंस है तो उनके बीच की डिस्टेंस मॉड बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन अपॉन मॉड बी वन क्रॉस बी टू। यदि दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस मॉड बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन मॉड ऑफ बी। याद रखोगे बेटा, तुम भी याद रखोगे, सब लोग याद रखोगे। ओके, चलिए बच्चों, तो हम लोग आई थिंक लास्ट लेक्चर पे क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा आप देखो, आप देख करके बताओ कि ये किसकी इक्वेशन है, बताइए फटाफट आप बताओ, ये जो ऊपर लिखी है किसकी इक्वेशन लिखी हुई है, इसकी लाइन 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 किसकी है, लाइन आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, तो ऊपर भी लाइन की इक्वेशन और नीचे भी लाइन, मतलब दो लाइन्स आपको दे रखी है। अरे बोलो भाई, दो लाइन्स है। अब इसमें क्वेश्चन है कि इन दोनों लाइन्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी, क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप और क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट का मतलब मिनिमम, ठीक है। चलिए अब मेरी बात सुनो बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता था। अच्छा, ये लाइन्स दो तरीके के फॉर्मूले लिखवाए थे, एक तो स्क्यू लाइन्स के लिए और एक पैरेलल लाइन्स के लिए। ये लाइन्स कैसी है, स्क्यू है या पैरेलल, स्क्यू, तो ये सेम वेक्टर्स नहीं है, या इनके इन वेक्टर्स के रेशियोज भी सेम नहीं। देखो तो यहाँ पर आई का कोफिशियंट 1, यहाँ पर 2, तो आई के कोफिशियंट का रेशियो 1/2। अच्छा, जे में -1 और यहाँ पर 1, तो इनका रेशियो -1/1 मतलब -1, तो रेशियोज इक्वल नहीं है, मतलब वो पैरेलल वेक्टर्स नहीं, मतलब पैरेलल लाइंस ही नहीं। यदि इनके रेशियोज सेम हो जाते तब भी वो लाइंस क्या हो जाती, पैरेलल हो जाती। सेम भी नहीं है वेक्टर्स और रेशियोज भी सेम नहीं, इसलिए लाइंस पैरेलल नहीं है। तो ये कैसी लाइंस है, स्क्यू लाइंस है। अच्छा, स्क्यू लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, मॉड mod b1 cross b2 dot a2 minus a1 upon mod b1 cross b2। अब मेरी बात सुनो, हमें shortest distance निकालनी है तो a2 minus a1 vector चाहिए और कौन सा चाहिए, b1 cross b2 vector चाहिए, तो हम लोग निकालते पहले। अच्छा, ये first line है, यदि ये first line है तो इसका जो ये वाला vector है ये first point हो जाएगा, a1 हो जाएगा, a1 कितना हो गया, 1, 2, 1 हो गया क्यों। अच्छा, ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा लैम्डा के साथ, बी, अरे बोलो भाई, बी वन हो जाएगा, बी वन कितना हो जाएगा, आई माइनस जे प्लस के, ए वन बी वन हो गया। चलिए अब दूसरी लाइन दिख रही बेटा, दूसरी लाइन किस पॉइंट से पास हो रही बेटा, 2, इसको ए टू बोलते हैं, क्या है, 2i माइनस जे माइनस के, और इसके पैरेलल वेक्टर कौन सा है, मतलब बी टू वेक्टर क्या है आपका, 2i प्लस जे प्लस 2k, ये बात समझ में आ गई। तो अभी हमें a1 a2 भी पता है और b1 और b2। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमें क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी, b1 क्रॉस b2। अच्छा, अभी जिससे पूछेंगे वो बताएगा, आप बताओ बेटा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, डिटरमिनेंट की हेल्प से, है ना, तो हम लोग क्या बना दें, डिटरमिनेंट बना दें। अच्छा, क्या लिखोगे, I फिर J फिर K। अच्छा, पहले वेक्टर कौन सा है, B1, तो B1 के कोफिशिएंट लिख रहे हैं हम लोग, क्या है, 1 minus 1, 1 minus 1, 1। दूसरा वेक्टर कौन सा बेटा, B2, तो इसके कोफिशिएंट क्या है, 2, 1, 2, लिख देते हैं यहाँ पर 2, 1, 2। क्या इसको एक्सपेंड कर सकते हो, yes। अच्छा, एक्सपेंड कैसे करते हैं, इधर दो बेटा, सबसे पहले किसको लिखोगे, I को। अच्छा, I के सामने वाला क्या गायब कर दोगे, आई के सामने वाला ये कॉलम गया और आई के सामने वाली रो चली गई, आपकी ये 4 एलिमेंट्स बचे। अब ये जो 4 एलिमेंट्स बचे इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -1 × 2, 2 - 2, माइनस करेंगे ये वाला प्रोडक्ट, 1 × 2, 1, 1, आई बात समझ में। अच्छा, अब लगाएंगे माइनस का जे, अब क्या लिखा हमने, माइनस जे, इसके सामने कौन चला गया, कॉलम,
जे के साथ में, और कौन चला गया रो। अब बचा कौन, वन टू और वन टू मल्टीप्लाई करें, वन का टू से टू, माइनस टू का वन से टू, आई बात समझ में। अब क्या लिखोगे, प्लस का के लिखोगे। अरे बोलो भाई, के के सामने कॉलम क्या हो गया, वन इंटू वन वन, माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस टू, क्या हो गया प्लस टू। इसको थोड़ा सॉल्व करें, माइनस थ्री आई, माइनस थ्री आई माइनस जीरो जे, सीधे लिखे माइनस लिखो या प्लस लिखो जीरो मतलब ही नहीं। ये कितना है थ्री के, क्या आपको बी वन क्रॉस बी टू मिल गया। अच्छा अब दो बेटा, बी वन क्रॉस बी टू मिल गया, इसके बाद क्या निकालना है, ए टू माइनस ए वन। चलिए निकाल के ए टू माइनस ए वन, ए टू से ए वन को सबट्रैक्ट करते, इधर दो बेटा टू से वन गया वन, डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस वन से टू गया माइनस थ्री, माइनस वन से वन गया माइनस टू, क्या ये वेक्टर आ गया। अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको क्या निकालने की जरूरत है, बी वन क्रॉस बी टू का डॉट करना पड़ेगा ए टू माइनस ए वन से। तो बी वन क्रॉस बी टू ये वेक्टर है और ए टू माइनस ए वन ये वेक्टर, इन दोनों का क्या कर दें डॉट। अच्छा डॉट निकालते कैसे, सुनिए आई का कोफिशियंट, आई के कोफिशियंट यहां पर कितना है कोफिशियंट माइनस थ्री, और यहाँ पर कितना है वन, तो माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री। अच्छा यहाँ जे का कोफिशियंट जीरो, और यहाँ पर माइनस थ्री कितना बना जीरो, के का कोफिशियंट थ्री, और यहाँ पर माइनस टू कितना बना माइनस सिक्स, कितना आया माइनस नाइन। अच्छा अभी इसमें ये भी तो निकालना पड़ेगा बेटा, मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, बोलो भाई। तो अभी बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर पता है, इसका मॉड निकालने के लिए अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना बना रूट 18, कितना रूट 18 को क्या लिखोगे 3 रूट 2, आई बात समझ में। चलिए अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन अपॉन मॉड बी वन क्रॉस बी टू। अभी इसमें वैल्यूज पुट कर दें, चलिए बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन की वैल्यू माइनस नाइन। अच्छा बी वन क्रॉस बी टू का मॉड थ्री रूट टू, और इसका भी क्या लेना है मॉड। अच्छा थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, अच्छा ऊपर क्या बचा, ऊपर थ्री बचा और नीचे क्या बचा रूट टू, क्योंकि माइनस का मॉड लोगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई वो कितनी आ गई, थ्री बाई रूट टू यूनिट डिस्टेंस है ना, क्या लिखोगे थ्री बाई रूट टू यूनिट। फटाफट नोट कर लीजिए, चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का डिस्कशन करेंगे। अच्छा आप बताओ बेटा ये किसकी इक्वेशन है, लाइन किसकी, लाइन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ऐसी सेम नीचे वाली भी इक्वेशन है, तो ऊपर वाली भी लाइन की इक्वेशन है और नीचे वाली भी लाइन। अब बोला गया इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी। अब मेरी बात समझो बेटा, जो ऊपर ये x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, यहां पर ये जो लिखे हैं ये क्या होते हैं पॉइंट जिससे वो लाइन पास होती है। अच्छा जो नीचे लिखा हुआ है सेवन माइनस सिक्स और वन, ये पैरेलल वेक्टर होता है पक्का। तो चलिए भाई इस लाइन फर्स्ट लाइन में हम लोग ए वन लिखते हैं, तो पॉइंट यहां पर क्या निकलेगा माइनस वन, यहां पर क्या निकलेगा माइनस वन, और यहां पर भी क्या निकलेगा माइनस वन। चलिए इसके पैरेलल वेक्टर क्या आएगा बी वन, ये देखते हैं सेवन आई माइनस सिक्स जे प्लस वन के, आई बात समझ में। अच्छा दूसरी लाइन में देखें हम लोग बेटा, जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही वो क्या होगा थ्री आई फाइव जे आगे सेवन के पक्का। चलिए इसके पैरेलल वेक्टर क्या होगा बेटा, पैरेलल वेक्टर वन आई माइनस टू जे प्लस वन के, आई बात समझ में। तो आपको देखो ए वन ए टू बी वन बी टू सब पता चल गया, अब आपको फटाफट रेस्पॉन्स करना पड़ेगा ठीक है। सबसे पहले ए टू माइनस ए वन वेक्टर बताएं, आप चाहे ए टू माइनस ए वन पहले निकालो या बी वन क्रॉस बी टू, है ना ए टू माइनस ए वन फटाफट स्पीड में बताओ,
आप बताओ बेटा ए टू बाय सेवन कितना आएगा? सर फोर आई, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेना, 3 से माइनस वन गया 4i, 5 से माइनस वन गया 6j, 7 से माइनस वन गया 8k, आया कि नहीं? अच्छा अभी क्या निकालना पड़ेगा, b1 क्रॉस b2, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। अच्छा एक चीज, ये लाइंस पैरेलल तो है नहीं, क्यों? क्योंकि पैरेलल वाले वेक्टर सेम नहीं है, है ना? तो b1 क्रॉस b2 किसकी हेल्प से निकालोगे? डिटरमिनेंट फटाफट एक्सपेंड करके बताओ कितना आएगा। b1 वेक्टर है 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1, आई थिंक एक्सपेंड कर सकते हो इजीली। सर 1 x 6 माइनस 1 i कैप j कैप ऐसा आएगा, वेक्टर निकालना है, वेक्टर आएगा ना b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 तो वेक्टर आएगा ना। देखो भाई पक्का, चलिए तो b1 क्रॉस b2 आ गया। अब एक काम करें हम लोग, क्या निकाल लें, b1 क्रॉस b2 का डॉट कर दें किससे? a2 माइनस a1 से। चलिए डॉट करके देखते हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट, ये a2 माइनस a1 वेक्टर है और ये b1 क्रॉस b2, डॉट क्या करेंगे, 4 × −4 माइनस 16। अच्छा j का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें, 6 × −6 माइनस 4 माइनस 36 माइनस 36, 8 × −8 माइनस का 64, कैलकुलेट करके बताओ कितना है? माइनस का 116, माइनस का 116 पक्का। चलिए अच्छा अभी और किसकी जरूरत पड़ेगी, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, तो मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 निकाले, तो रूट लगाओगे बेटा, b1 क्रॉस b2 ये वेक्टर है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 6 का स्क्वायर 36, बोलो भाई, माइनस 8 का स्क्वायर 64, क्लियर है? तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड b1 क्रॉस b2 का क्या करते हैं, डॉट करते हैं किसके साथ, a2 माइनस a1 के साथ, और अपॉन में b1 क्रॉस b2। चलिए तो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है, माइनस 116, नीचे वाले की रूट के अंदर 116, मॉड लगा दें तो ये बचा कितना, रूट के अंदर 116, रूट ऑफ 116 कुछ होगा क्या? नहीं कुछ नहीं, इतना लिखा है तो ये यूनिट आ गया, फटाफट में कर। चलिए बेटा तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का डिस्कशन करते हैं, ओके? जैसा कि हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 14 में देखा था, 14 में भी इसी तरीके की वेक्टर इक्वेशन लाइंस की दे रखी थी और इन दोनों लाइंस के बीच में आपको क्या निकालना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी थी, तो बहुत आसान है, ठीक है? आपका ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा, a1, और ये कौन सा हो जाएगा, b1, और ये दूसरी वाली लाइन में ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, a2, और ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, b2। a1 b1 a2 b2 सब पता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस तो है, फटाफट आप लोग करने की कोशिश करें। और बच्चे देख ले बेटा है ऑनलाइन वाले, ये इसको a1 वेक्टर लिखेंगे, क्या है, 1 2j + 3k, इसको हम लोग b1 वेक्टर लिखेंगे, 1 − 3j + 2k। चलिए जो दूसरी लाइन है इसमें ये वेक्टर लिखा हुआ है a2 वेक्टर है 4i + 5j + 6k। अच्छा ये b2 वेक्टर हो जाएगा आपका 2i + 3j + k, ये हो गया a1 a2 b1 b2 सब पता है। चलिए सर फटाफट बताओ a2 से a1 को सब्ट्रैक्ट करें,
ए टू से ए वन चला गया तो क्या बचेगा, थ्री आई, गुड, प्लस थ्री जे, थ्री जे प्लस थ्री के, थ्री के कैसे, देखो बेटा फोर से बन गया थ्री, फाइव से टू गया थ्री, सिक्स से थ्री गया थ्री, ये तो लिखा हुआ है। चले फटाफट बताओ बेटा, आप बताओ प्रशांत बेटा, बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर फटाफट स्पीड में माइनस नाइन आई, एक मिनट, डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालोगे, बी वन वेक्टर क्या है वन माइनस थ्री और टू, और बी टू वेक्टर क्या है टू थ्री वन, टू थ्री वन, इसको एक्सपेंड कर ले जाओगे कितना आया बेटा, माइनस नाइन आई, माइनस का नाइन आई, प्लस का थ्री जे, प्लस का थ्री जे, ठीक है, प्लस का नाइन के, प्लस का नाइन के, मतलब नाइन माइनस का नाइन आई प्लस का थ्री जे प्लस का थ्री के। अच्छा अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू का डॉट किसके साथ बेटा, ए टू माइनस ए टू माइनस ए वन के साथ। चलिए तो ये आपका ए टू माइनस ए वन वेक्टर है और ये बी वन क्रॉस बी टू डॉट बेटा है, बताए बेटा आप बताओ बेटा नाइन आएगा, कितना आएगा नाइन, पक्का, थ्री का माइनस नाइन से, थ्री का थ्री से, थ्री का नाइन से, कितना बचेगा नाइन, पक्का, यस सर। अरे ये मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री इंटू माइनस नाइन, थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू नाइन, क्लियर है, ऐड करोगे नाइन ही बचेगा। चले बी वन क्रॉस बी टू का क्या बताना बेटा, मॉड, इनका मॉड बताया, अंडर रूट लिखोगे, बी वन क्रॉस बी टू ये है, मॉड निकालने का मतलब माइनस नाइन का स्क्वायर 81, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन का स्क्वायर 81, फटाफट इसकी वैल्यू बताए कितना आ रहा है, 171, पक्का 170 बना रहा है, देखो बेटा क्लियर है। तो चलिए अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बी वन क्रॉस बी टू का डॉट लेने किसके साथ, ए टू माइनस ए वन के साथ, अपॉन में क्या कर दें, मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू कर दें। चलिए ऊपर वाले की वैल्यू आई है 9, नीचे वाले की 1, रूट के अंदर 171, ये आंसर आ गया, इतना यूनिट, फटाफट नोट करें स्पीड। देखे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, स्ट्रेट लाइन का लास्ट क्वेश्चन। अब ये जो ये इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन की है, लेकिन बेटा हमने इस तरीके का कभी लिखा हुआ देखा नहीं, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखी होती थी वो r इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b होती थी, यहां तो ऐसे लिख ही नहीं रहा। एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमने फर्स्ट ये जो फर्स्ट इक्वेशन इसको लिखने की कोशिश की, क्या r की जगह तो r लिखा, एक काम करते हैं बहुत ध्यान से, इधर सभी लोग समझो बेटा, बाद में देखो, i कैप को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j कैप को -2 के साथ, k कैप को 3 के साथ, मतलब इनको उनके साथ मल्टीप्लाई करें जिसके साथ t नहीं है, मतलब जिनके साथ t नहीं है वो अलग और जिनके साथ t है उनको अलग लिख लें। तो देखो यहां पर 1 i कैप आएगा, यहां पर माइनस का 2j कैप आएगा और यहां पर 3 k कैप आ जाएगा। अच्छा अब देखो t वाले एक साथ लिखते हैं, क्या यहां पर माइनस का टी आई कैप आएगा और यहां पर टी जे कैप और यहां माइनस का टू डी जे कैप, इन तीनों में टी कॉमन ले रहे, तो जैसे टी कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा माइनस का आई कैप, यहां पर क्या बचेगा वन जे कैप और यहां पर क्या बचेगा टी चला जाएगा माइनस का टू के कैप। क्या अभी ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के जैसे दिखने लगी, r इक्वल टू a प्लस लेमडा की जगह t है, वो तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ये b हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरी लाइन को भी लिखे ऐसे, अब दूसरी लाइन में s वाले अलग और जिनके साथ s नहीं वो अलग, तो ये 1 i कैप और ये माइनस j कैप और ये प्लस, ये माइनस इधर चला जाएगा ना, माइनस का k कैप। चलिए फिर कॉमन क्या मिलेगा बेटा आगे, s, तो 1 i कैप और s के साथ 2 है ना, 2j, 2j कैप और ये माइनस का 2k कैप, क्लियर है। तो चलिए अब अपने पास k
क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखें, ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हो गई और ये सेकंड लाइन। अब ये दो लाइंस आ गई। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, इन दोनों लाइंस के बीच में आप क्या निकालें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन ही दे रखी थी नीचे वाली, हमें ये दे रखा था ऊपर वाला और कहा गया था इन दोनों के बीच में क्या निकालें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बस ऊपर वाली लाइन हमको समझ में ही नहीं आ रही थी, ये लिख क्या दिया है, तो हमने पहले उनको क्या बनाया, खूबसूरत, जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते चले आ रहे हैं। अब तो आसान हो गया ना। yes. अच्छा, ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, ए, है ना, मतलब ए वन लिख दे, वन माइनस टू जे प्लस थ्री के। अच्छा, ये वाला कौन सा वेक्टर कहलाएगा बेटा, बी, पैरेलल वेक्टर ना, बी वन क्या बनेगा, माइनस आई प्लस जे माइनस टू के। अच्छा, दूसरी लाइन में ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, पॉइंट वाला, मतलब ए टू क्या बनेगा, आई माइनस जे माइनस के। ये वाला पैरेलल वेक्टर मतलब बी टू क्या बनेगा, आई प्लस टू जे माइनस टू के। ये बात समझ में आई बेटा। अच्छा, अब मेरी बात समझो बेटा, हमें ए वन ए टू बी वन बी टू सब पता चल गया। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, ए टू माइनस ए वन, फटाफट ए टू से ए वन को सब्ट्रैक्ट करके वन से बन गया जीरो, माइनस वन से माइनस टू गया वन, माइनस वन से थ्री गया माइनस फोर। अरे बोलो भाई, चलिए बी वन क्रॉस बी टू किसकी हेल्प से निकालोगे, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। फटाफट आप लोग कैलकुलेट करें स्पीड में, b1 क्रॉस b2 सर 2i, एक मिनट i j k लिखा, माइनस वन वन माइनस टू, ये b1 वेक्टर था, b2 में वन टू माइनस टू वन टू माइनस टू। चले फटाफट ये बताओ कितना बना, सर 2i माइनस 4j, 2i माइनस 4j माइनस 3, माइनस का 3 पक्का। चलिए, अच्छा अब मेरी बात सुनो बेटा, b1 क्रॉस b2 आ गया, a2 माइनस a1 आ गया, तो हम लोग क्या निकाल लें, a2 माइनस ए वन का डॉट किसके साथ, बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू, बी टू के साथ पक्का, बी वन क्रॉस बी टू। ये जो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इसक्यू लाइंस का है। क्या ये लाइंस इसक्यू लाइंस थी, yes. हाँ बिल्कुल, इसक्यू लाइंस थी, अलग अलग वेक्टर्स नहीं है, पैरेलल वेक्टर्स नहीं है, तो इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है। चलिए, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ये a2 minus 7 ये वेक्टर है और b1 cross b2 ये है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0 0। अच्छा, 1 को minus 4 से minus 4, अच्छा minus 4 को minus 3 से प्लस का 12, कितना बचा 8, ये आ गया। अच्छा, b1 cross b2 का क्या निकाल लें, मॉड निकाल लें, तो ये लिखोगे अंडर रूट, ये b1 cross b2 है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस फोर का स्क्वायर 16, अरे बोलो भाई, माइनस थ्री का स्क्वायर 9, कितना बचा रूट 29। अभी फॉर्मूला आता है, स्क्वायर के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड क्या होता है, ए टू या बी वन क्रॉस बी टू पहले लिखते हैं, बात वही डॉट में इधर उधर वेक्टर हो जाए तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, तो आप क्या लिखते हैं, बी वन क्रॉस बी टू का डॉट किसके साथ बेटा, ए टू माइनस ए वन के साथ, और अपॉन में क्या लिखोगे, मॉड बी वन क्रॉस बी टू, अरे तो लिखोगे बेटा, तो ये कितना बचा ऊपर, इसकी वैल्यू 8, नीचे वाले की रूट 29, कितना आया, यूनिट। फटाफट नोट कर लें स्पीड में।